किया इसने? जेब काटे इसने। क्या नाम है तुम्हारा? मुखी राम बैरागी। तलाश लो इसकी। Thank you.
कितना अच्छा हार है, सिलेक्शन का जवाब नहीं, हजारों में एक है। पसंद है? अभी ले लेते हैं। ले आइए सर। जान, जरा अपनी सूरत तो दिखाओ। अंधेरे की दोस्ती अंधेरे में ही रहे तो अच्छा है। जम रहा है जमाना, जम जम देखे, जेब में जर है तो जनाब भी जम जाए अंदर जाकर। मैंने उधार दुआ कह रहा है, किसी का खून नहीं किया, अबे इंसानियत से, अबे इज्जत काटे का सब लोग का सच्चा लाश हो। आदाब बेटे, उधार जुआ खेलने से कभी कभार तकलीफ हो जाया करती है। कभी कभार? हमारा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है, यहाँ तो हर रोज उधार है, राशन उधार, कपड़ा उधार, चाय पानी उधार, पान पीरी उधार, इसलिए तो माँ बाप ने सोच समझ के नाम रखा है उधार चंद। डब्बू जवाब नहीं तुम्हारे माँ बाप का, उधार चंद तक तो ठीक है, लेकिन ये डब्बू की समझ नहीं आई क्या? हाँ, पुराने जमाने के आदमी मालूम होते हो यार। यार चल भाई। लो उस्ताद, रोज 15 मिनट पहले ही आ जाते हो। अपना तो धंधा है प्यारे। आपको 25 रुपए रखे हुए। कलर रोशन प्यारे, क्या हाल है? आज तो अपना भी जी चाहता है जुआ खेलने को। खेलो प्यारे खेलो, जिंदगी जुआ है। निकाल तो 100 रुपया।
100 रुपए तो आज जेब भारी मालूम होती है। गॉड रेट की तिजोरी आ गई है अपनी जेब में। अच्छा लो प्यारे, तुम्हारे लिए रुपए क्या चीज है, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ये 5 कम है दूध के। मेरे लिए पत्ते बांटना यार। भाई चल प्यारे। ओ लो अच्छी तो होता है। बस 10 का ब्लाइंड। 10 की ब्लाइंड लो भाई। 10 और 10 20 की ब्लाइंड लो अपन। लो भैया छुट्टी हो गई। सौ की चाल। हाँ 100 की। तो 100 की चाल हमारी भी आ गई। ये लो आप पत्ता खेच के नहीं प्यारे, चाल चलनी हो तो नगर चलो वरना पत्ते ताज में मिला दो। नकद डालता हूँ मेरी जान। चलो फिर नकद डालता हूँ। उस्ताद आया प्यारे। ओ क्या बात, चाल फंस गई है तो फिर चलो ना। 100 रुपए और दे दो ना। 100 रुपए पहले गोदरेज का दरवाजा खोलकर माल तो दिखा। 200 का है भी या यूं ही? 1000 का माल है उस्ताद, 1000 का। ऐसा अभी दिखाता हूँ। शाबाश शाबाश। हाथ मिलाओ उस्ताद, आज हमारी भी पॉकेट किसी ने मार ली। पार्टी से मार ली। लेकिन घबराओ नहीं, 100 रुपया इस हाथ की मैल कल ही मिल जाएगा। काफी तेज हो क्या उस्ताद, क्या इरादा है? घड़ी रहन रख जाओ तो इरादा नेक है वरना। सतरा तुम जबरदस्ती मेरी घड़ी उतार लो। बात कुछ ऐसी है प्यारे। उस्ताद शरीफ आदमियों में जबरदस्ती कैसे, लो उतार लो। मैंने कहा उधार का जुआ खेलने से कभी कभार तकलीफ हो ही जाया करती है। आपकी तो हर चीज नकद थी मगर आज मालूम हुआ कि आप भी उधार चल रहे हैं। अब तो जोड़ी कहो सच्चा प्यारे, मगर जब हम अंदर गए थे उसी ख्याल से गए थे कि जेब में 1000 हैं। मौलाना हम भी इसी ख्याल से अंदर गए थे कि जब बाहर आएंगे तो जेब में 1000 के नोट होंगे, मगर किस इज्जत से बाहर निकाले गए वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। चलो यार सर्दी लग रही होगी, एक एक प्याली चाय पी ले। चलो दोस्ती हो गई। हाँ हो गई हो गई, मगर याद रखना ये टोपी उधार की है। कोने पे मसाले की चाय मिल गया। पुलिस कोई बात नहीं, अभी बता बता। इंस्पेक्टर साहब हम दोनों अभी अभी कथा सुनकर आ रहे थे तो एक आदमी ने कहा इस मकान में जुआ हो रहा है। कहाँ? इस मकान में। चलो जल्दी आओ 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 आओ। मजा आ गया चाय पीने का। अरे जूता खाने के बाद गर्म चाय पेनिसिलिन का काम देती है। क्या कहा? पेंसिल पेंसिल नहीं, पेनिसिलिन पेनिसिलिन दवाई। दवाई जूता खाने के बाद तो दवाई काम आती है प्यारे। लेकिन तुम काम क्या करते? मैं कुछ काम नहीं करता, ऐश करता हूँ, इस हाथ की कमाई खाता हूँ।
दुनिया के सारे हाथ एक तरफ और मेरा ये दाया हाथ एक तरफ, जवाब नहीं है। खामोश क्यों हो गए उस्ताद? ये बिजली तो चमकती रहेगी, बरसात का मौसम है, चाय पियो और ऐश करो। डबू उस्ताद, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने बुलाया है, अभी आया। डबू हेलो डाल, कमान इधर गया था, कमान बाकी बात, कमान जाता है। फरमाइए क्यों याद फरमाया था? कौन हो तुम? मैं, जिसे आपने अभी प्यार से बुलाया डब्बू। जी वो मेरे कुत्ते का नाम। क्या कहा? अब कुत्ते का नाम है? ये तुम औरतों की बहुत बुरी आदत है, मर्दों को डाउन करने के लिए उनसे मिलते जुलते नाम अपने कुत्तों को रख लेती है। यू शट अप। अगर हमको बिल्ली पाल ले उसका नाम बिमला, कमला, फ्लोरा या डॉली रख ले तो आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? लड़ी आँख से आँख, लड़ी आँख से आँख, मोहब्बत हो गई, बड़ा गाल पे हाथ, हजामत हो गई, हजामत हो गई, लड़ी आँख से आँख, मोहब्बत हो गई, बड़ा गाल पे हाथ, हजामत हो गई, हजामत हो गई। तमाचा जोर से लगा, तमाचा जोर से, जी अच्छी दावत हो गई, बड़ा काल पे हाथ, हजामत हो गई, हजामत हो गई। लड़ी आँख से आँख, मोहब्बत हो गई, बड़ा काल पे हाथ, हजामत हो गई, हाय हजामत हो गई। ऐसा छूटा एक पटाखा, बड़े जोर का हुआ धमाका, ऐसा छूटा एक पटाखा, बड़े जोर का हुआ धमाका, कहने वाले सच कह गए, प्यार है बड़ा लड़ाका, कहने वाले सच कह गए, प्यार है बड़ा लड़ाका, बड़े बड़ों के प्यार के हाथों, बड़े बड़ों के प्यार के हाथों, अभी मरम्मत हो गई, बड़ा काम पे हाथ, हजामत हो गई, हजामत हो गई। वाह वाह वाह, लड़ी आँख से आँख, मोहब्बत हो गई, बड़ा गाल पे हाथ, हजामत हो गई, हाय हजामत हो गई। ना जान ना पहचान, अजी मैं आपका मेहमान, दिल का खेल नहीं दिल वालों, इतना तो आसान, ना जान ना पहचान, अजी मैं आपका मेहमान, दिल का खेल नहीं दिल वालों, इतना तो आसान। दुनिया को तो दिल देने की, दुनिया को तो दिल देने की क्यों ही आदत हो गई, बड़ा गाल पे हाथ, हजामत हो गई, हाय हजामत हो गई। वाह वाह वाह,
हाँ लड़ी आंख से आंख मोहब्बत हो गई, पड़ा गाल पे हाथ हजामत हो गई, हाय हजामत हो गई। लड़ी आंख से आंख मोहब्बत हो गई, पड़ा गाल पे हाथ हजामत हो गई, हाय हजामत हो गई। लड़ी आंख से आंख मोहब्बत हो गई, पड़ा गाल पे हाथ हजामत हो गई, हाय हजामत हो गई। बेटा तू हर रोज इतनी देर से क्यों घर आता है? क्या तेरा दफ्तर रात भर खुला रहता है? माँ अपना बिजनेस दुनिया भर के बिजनेसों से निराला है, न जाने कब शिकार आन फंसे। क्या तू शिकार फंसने का काम करता है? ओहो माँ तू बात नहीं समझी, बात यह है कि हमारे धंधे में ग्राहक को शिकार कहते हैं। दुकानदार को ग्राहक मुश्किल से मिलता है और हमारे ऑफिस को शिकार मुश्किल से मिलता है, बात एक ही है। जरा दाल तो दे। रोशन बचपन में तू बहुत ही शरारतें किया करता था, तेरी शरारतों से तंग आकर लोग कहते थे ये लड़का बड़ा होकर बहुत ही लफंगा निकलेगा। क्या दुनिया है। दुनिया बड़ी अजीब है माँ, तू दाल तो दे। अगर जान की सलामती चाहता तो हाथ खड़े कर दे, तो जेब में है मेरे हवाले कर दे। मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं। अच्छा तो जो हाथ में है वो दे दो। हाथ में किस्मत की लकीरें हैं दोस्त। अबे वो अपने पास रख, ऐप कर ही दे दे मैनू। अरे हाँ जल्दी वरना मैं जबरदस्ती ले लूंगा। शरीफ आदमी में जबरदस्ती क्या, मैं खुद ही उतार लो। वाकई शरीफ मालूम। अरे यार जब भी तो मैं तुम्हारी जेब खतरने को आया, जानता हूँ कि दोस्तों सचमुच अगर पूरी पेट में चली भी गई तो पुलिस को इतला नहीं करोगे, चुप चुप यूं ही मर जाओगे। एक बात करता हूँ, जरा सोचो तो तुम्हारी शराफत पर मुझे कितना भरोसा है। एक बात कहूँ यार, तू भी शरीफ आदमी मैं भी शरीफ, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करता? मदद? ये भी नहीं समझता कैसे मदद। अरे बात तो बता। अमा कुछ नहीं, मुझे अपना धंधा सिखा दे, अब तो सारे शहर में कोई उधार भी नहीं देता, तेरी जरा सी मेहरबानी से मेरी जिंदगी बन जाएगी। अच्छा दोस्त तू भी क्या याद करेगा, कुछ पैसे हैं तुम्हारी जेब में? अमा तुम भी कमाल करते हो, पैसे होते तो फिर तुम्हारी मार क्यों खाता, होटल में जाके रोटी न खाता। ये भी तुमने सीखा। देख तो क्या शान से खड़ी है। रात को इसने हमें थप्पड़ मारा था ना, मैं अभी मजा तक आता हूँ। तेरा तेरा असर रखो बिल्लियां अखियां वाली है, पहले सदा मुंह नहीं और सदा हाथ पांव नहीं। ओ यार बड़ी तेज है, फोटो में भी मारती है। ओ छोरी हर रात को होटल पैरिस में खाने के साथ मिस रीटा का नाच।
दुनिया को छोड़ तुझे दुनिया से प्यार, छोटी सी है जिंदगी अपनी खुशी से जी। पुलिस से बचाया था और इस बार फांसी से। शुक्रिया। पहले एहसान का बदला मेरा हार उड़ा कर बराबर कर लिया था, इस एहसान का बदला मैं चुका देता हूं। बातों से मालूम हुआ कि आपका मुझ जैसे आदमी की बहुत दिनों से तलाश थी। वाकई। और जब आपने मुझे देखा तो आपके दिल ने कहा यही है वो लाजवाब हीरा जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ तो शेख साहब, आप इस हीरे की कितनी कीमत देंगे? 1000 रुपया महीना। 1000 रुपया महीना? कम है तो 200 और सही। चलो 1200। इस वक्त आपके जेब में कितने रुपए होंगे? 2000 तो मैं पेश की चाहिए। पेश की रही सेठ। सुनिए,
अगर आपको ये ना मालूम हो कि मैं कौन हूँ और मैं यूं ही आपके करीब से गुजर जाऊँ तो आपका ये 2000 रुपया 1 मिनट के अंदर मेरी जेब में आ जाएगा। अब आप ही हिसाब लगाइए कि अगर 1 मिनट की कमाई 2000 रुपया हो तो 30 दिन की कमाई कितनी हुई। लेकिन तनख्वाह हर महीने बाकायदा मिला करेगी, इस कमाई का भरोसा क्या? कुछ भी हो सेठ, हम ठहरे इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, हमसे किसी की नौकरी नहीं होती। जब जरूरत पड़ती है तो बिजनेस कर लेते हैं वरना आराम करते हैं। अपना असूल है पैसे का लालच मत करो, थोड़ा खाओ सुखी रहो। आधा बताए सुनो तो सुने के बाद में ये रहा आपका सिगरेट, ये साफ बराबर। आप बराबर करना तो खूब जानते हो। कुछ बकाया हो तो फरमाइए। नई नई मुलाकात हो तो शर्मा ही जाती। रीता, मुझे इस आदमी की जरूरत है। सिर्फ आप ही को। टुकड़ा कर अरमान न जाओ बेदर्दी नादान, ये मौसम रोज नहीं आता, ये मौसम रोज नहीं आता, अरे अनजान नहीं आता, बहारों के ऐसे सामान, ये मौसम रोज नहीं Oh, what a mess.
अरे मेरे यहाँ काफी भारी है, लोहे का तो नहीं? अरे असली सोने का, असली सोने का, असली सोने का। अरे अरे हाँ चला बेचने, खुद भी बेच सकता। अरे याद भी मेरी समझ में नहीं आया, मैंने इसे रुपए का लालच दिया, वो नहीं माना। तुमने अपनी खूबसूरती का जाल बिछाया, उससे भी वो निकल गया। अजीब आदमी। अजीब नहीं, लाजवाब आदमी, मगर जिद्दी बहुत है। चल सगन, इस काम के लिए तुझे भेजा था, वो हो गया। आप इस तरफ आइए। तुम क्या हुआ? सारी मेहनत बेकार गई। नोट कम। ये किसने लिखा है? आपके 3000 रुपए मैं चुरा कर ले जा रहा हूँ, मजबूर हूँ। इन रुपयों की मुझे सख्त जरूरत थी, इसे आप चोरी समझिए या मजबूरी, लेकिन जब भी मुझसे हो सका ये रुपए आपको वापस कर दूंगा। मोहन। मोहन अभी अभी नौकर रखा था। मालूम होता है उस्ताद, तुम किसी न्यूज एजेंसी के एजेंट हो। अरे उसी के प्यारे जिसके तुम प्रेसिडेंट हो। मैं प्रेसिडेंट? ये पॉकेट मार न्यूज एजेंसी के एजेंट। ओ मैं समझा गटर गटर एंड कंपनी। एक मनी ऑर्डर फॉर्म देना भाई। ए भाई जेंटलमैन लाइन में खड़ा रहो। ये लाइन तेरे बाप की है मोटे? अरे मोटा होगा तेरा बाप, हम सीधी तरह से बोलता, ऊपर से तुम खाली देता, पहले लाइन में खड़ा रहे। नहीं आता लाइन में, कर ले जो करना है। एक फॉर्म देना भाई। अरे देखते क्या हो, ताले को उठा के बाहर फेंकता। चलो मिस्टर इधर से। अरे कोई आदमी नहीं, मैदान साफ है, लिफाफा खोल, लिफाफा खोल, कहीं उसने धोखा तो नहीं दिया, देख तो कुछ है। हजार के नोट है क्या? एक दो
3000 के नोट। वही रहने थे, वही रहने थे। जय जगदीश हरे। क्या नोटों की आती? अरे यार आजकल तो इन्हीं नोटों में भगवान दिखाई देता है। देना मुझे, देना मुझे, देना यार दे। रोशन एक बात कहूँ, अब जरा जिंदगी आराम से कटेगी। तुम आराम की सोचो, मैं देखता हूँ इस किस्मत के मारे ने इतने रुपए कहाँ दिए। माँ प्रणाम। वो दिन तो याद होगा तुम्हें मान, जब लड्डू शाह ने 10 आदमियों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी और कहा था कि अगर तुमने जल्द मेरा कर्जा ना चुकाया तो मैं तुम्हारा मकान नीलाम करवा दूंगा। उसी दिन मैं 3000 रुपया कमाने के लिए बंबई चला आया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि बंबई आते ही मुझे एक बड़े नेक आदमी के यहाँ नौकरी मिल गई। कल जब मैंने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए ये बताया कि अगर कर्जा वक्त पर ना चुकाया गया तो मेरी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया जाएगा, इतनी बड़ी दुनिया में उसके लिए सर छुपाने के लिए कोई जगह ना होगी और वो दर दर की ठोकरें खाएगी, तो ये सुनते ही उसने फौरन 3000 रुपया निकाल कर मेरे सामने रख दिया। माँ, जो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये रुपया आप लड्डू शाह को देकर मकान के कागजात उससे वापस ले लीजिए। आपका बेटा मोहन। अरे मेरे मालिक, तेरा जवाब नहीं, जब तू देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इन हाथों ने कभी 100 का नोट छुआ नहीं था और आज 1000-1000 के 3 नोट। अरे ला डब्बू नोट इधर ला। देख रहे तो देख रहा, देख रहे तो रोशन कहाँ जा रहे हो? अम्मा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो यार? जिसके नोट है उसे लौटाने। अरे यार रोशन, मालूम होता है यहाँ किसी की चोरी हुई है। चोरी नहीं, बेचारे ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? जी हाँ। किसने? मोहन ने। मोहन, इसका चाल चलन कैसा था? बेचारा बहुत ही नेक लड़का था। जब से इस बस्ती में रहने आया था हर वक्त किसी फिक्र में डूबा रहता था। बहुत ही दुखी मालूम होता था। दुखों से तंग आकर बेचारे ने जान दे दी होगी। रोशन, 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 हमा सुना तो? अब कहाँ जा रहे? मोहन के गांव। मोहन के गांव? वो क्यों? उसकी माँ को पैसे दे। कीजिएगा, बगैर जान पहचान आपसे बात करना चाहता हूँ। क्यों जी, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि बिना जान पहचान के मुझसे बात की जाए? कहो क्या कहना चाहते हो? यहाँ से माधोपुर कितनी दूर है? माधोपुर 6 कोस। सवारी का इंतजाम हो सकता है? सवारी? सुनिए महा से, तीसरे 5 साल प्लान में यहाँ से माधोपुर तक हवाई जहाज चला करेंगे। आप इतनी देर ठहर सकते हैं? अजीब आदमी है, यहाँ और सवारी का बंदोबस्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो सकता है और जरूर हो सकता है। इधर आ जाओ बाबू, ये माधव का पसंदर थोड़ी ही देर में चल पड़ेगी। घबराओ नहीं, जरूरत पड़ने पर गधे का ही घोड़ा समझना पड़ता है। शाम से पहले ही माधव पर पहुंच जाएंगे, हम भी उसी गांव में रहने वाले हैं। ए मामा, तुम्हें यहीं रहना है या चलना है? अरे और क्या, तेरी यहाँ मामी बैठी है जो मुझे रोटियाँ बनाकर खिलाएगी। मामी तो सब अगली ही दुनिया में मिलेगी, यहाँ तो सब भांजियाँ हैं। बाबू तुम बुरा मत मानना, गांव की सारी लड़कियाँ मुझे मामा कहकर पुकारती हैं। चलो बाबू, घर पे तैयार हो जाओ, गाड़ी चलने का वक्त हो गया। मैं भी आपके साथ पैदल ही चलता हूँ। तुम्हारी मर्जी, चलो। अरे
लो पानी भी पी लो और मुंह भी धो लो। तुम भी पानी पी लो बाबू। जी नहीं, मुझे प्यास नहीं। अजीब आदमी हो, अभी अभी तो कह रहे थे मुझे बहुत प्यास लगी है। भरम नहीं करो बाबू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये देहात है, यहाँ जानवर और इंसान एक ही घर पानी पीते हैं। पी लो, पी लो, तुम भी पी लो ना। हाँ लो लो बाबू, बहुत पानी है लो। खुशी का गाने, भोले भाले और राही मत वाले।
अरे जब देता है तो छुप कर भाग कर देता है। क्या चाहते की प्यास बुझाई है? डब्बू सर तुम्हें तो मेम साहब बुला रही है। अबे मुझे नहीं, अपने कुत्ते को बुला रही है। नहीं यार तुम्ही को बुला रही है। अबे उसका कुत्ता रूठ गया, उसे मना रही है, समझा? अब काम कर अपना। नहीं यार खुदा की कसम तुम्हें बुला रही है। खुदा की कसम एक बार मैंने भी यही समझा था, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद पता चला कि मेम साहब अपने कुत्ते को बुला रही है, समझे? अच्छा काम कर, खुदा तुझको मारूंगा। अरे डब्बू इस मतलब हम अपने कुत्ते को नहीं तुम्हें ही बुला रही। मेम साहब अगर मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो आपको मेरा या कुत्ते का नाम बदलना होगा, क्योंकि आपको फिर बुलाने में कोई तकलीफ ना हो। अगर यही बात है तो जरूर बदल देंगे। अखरोट खेलिएगा कहिए किसको मार। अखरोट तो नहीं खेलेंगे, मगर एक बात बताओ, आज तुम अकेले कैसे हो? तुम्हारा दोस्त कहाँ? मेरा दोस्त नहीं, सेंटीमेंटल फूल कहो, जन्म में गया है। मैं भूखा मर रहा हूँ और वो 3,000 रुपए वापस करने गया है गाँव। 3,000? पॉकेट मारो सेंटीमेंट, मोहन के गाँव गया। मोहन के गाँव? क्यों, आप ही उसी गाँव की है? अरे कार को बनिए, क्या चले रही हो सुबह सुबह? खबरदार के दोबारा ऐसी धमकी दी, ले से ले आऊंगा पुलिस का बच्चा। महाजन या कसाई? कसाई हूँ, कसाई करने का। फिर यहाँ क्या कर रहा है? शहर जा, बुचर खाने में नौकर हो जा। अरे उस बुढ़िया से कह के मेरे 3,000 रुपए चुका दे, मैं बुचर खाने क्या संतान घाट भी चला जाऊंगा। हाँ ये हुई काम की बात, जरा जल्दी से कूच कर जा, रुपया हम अच्छी पे रख देंगे। अच्छी मेरी नहीं बुढ़िया की उठेगी। समझ कर जब पुलिस लेके आऊंगा तब पता चलेगा, घर का एक कूड़ा करवा के ले जाऊंगा। देख लड्डू शाह, मैं तुझे सीधी तरह से समझा देती हूँ, आज इस घर में खुशियाँ मनाई जा रही है और तू यहाँ खड़ा होकर बस बस कर रहा है। याद रख, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि तेरा लड्डू शाह से कचौड़ी शाह बन जाएगा। अरे कचौड़ी तो फिर बहुत बड़ी हो गई है, अब तू मुझे रेवड़ी शाह बना देगी तो भी पुलिस लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। शर्म की बात है लड्डू शाह, तू एक बाल बच्चे वाला आदमी है, तुम्हें एक बेचारी बुढ़िया पे तरस नहीं आता? यही तो एक घर है, बेचारी अपनी इज्जत को समेटे बैठी है। जा चला जा, मैं तेरे पाँव पड़ दूँ। हाँ जरूर पड़, मैं तो तेरे बाप की जगह पे हूँ। हाँ तुमने मेरे मुँह में मट्टी डाली है, आराम करे तुम्हारी खुशियों में मट्टी पड़े। छोकरी है हरी ब्रज में देख लूंगा एक एक कुहार। क्या मोहन का घर यही है? हाँ, हाँ, मैं उसकी माँ हूँ, तुम कौन हो बेटा? मैं मोहन का दोस्त हूँ। माँ जी क्या बम्बई से आए हो? जी बम्बई से अपने गांव जा रहा था, सोचा आप लोगों की खबर लेता जाऊँ। बड़ी मेहरबानी की बेटा, कैसा है मेरा मोहन? आज हम उसके नाम से खुशियाँ मना रहे हैं और वो बम्बई में बैठा है, आया क्यों नहीं? उसे एक लंबे सफर पर जाना पड़ गया माँ जी। नौकरी में उसे सफर भी करना पड़ता है क्या? ये उसका आखिरी सफर था। चलो ये भी अच्छा हुआ, सफर में बड़ी तकलीफ होती होगी मेरे मोहन को। अरे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें अंदर बुलाना तो भूल ही गई। आओ। लेकिन मान जी। अरे अंदर आओ। आओ आओ बेटा बैठो। मेरे लिए जैसा मोहन वैसा ही मोहन का दोस्त, इसे अपना ही घर समझो। बड़े अच्छे वक्त पर आए हो बेटा, आज मेरे मोहन का नया जन्म हुआ है। नया जन्म? हाँ सिर्फ मोहन का ही नहीं, सारे खानदान का नया जन्म हुआ है, वरना आज हमारे बड़े पुरखों का तो नाम ही मिट जाता है। मैं समझा नहीं माँ। मैं सब कुछ समझाती हूँ बेटा, पहले कुछ खा पी लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वाह जी वाह, तुम भी अजीब हो जी, रास्ते में क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे भैया के दोस्त? मोहन तुम्हारा भाई था? जी हाँ नहीं है, बड़ा था मत कहना, मैं बुरा मान जाऊंगी। मेरे भैया को मेरी उम्र लग गया, जानते हो आज मेरे भैया के सर से मौत चल गई है, मौत। तुम नहीं समझे? खैर मैं समझाती। देखो पिछले 100 बरस से होने का कुछ ऐसा चक्कर चला है कि हमारे खानदान में जो भी मर्द होता था 25 की उम्र से पहले ही मर जाता था। हमारे परदादा दादा दोनों 24 की उम्र में मर गए, और फिर हमारे पिताजी भी तो 24.5 की उम्र में चल बसे। सोचो तो
चाचा सुहाग का हंसना खेलना, बहनों का रूप नाम मानना, और बस फिर वही सोकर शर्फे की लंबी रातें। बाबू औरतें रो रो के बेहाल हो जाती थी, हाँ देवी के मंदिर में मन्नतें मानती थी कि हे देवी, हमारे खानदान का कोई भी लाल 25 की उम्र पार कर गया तो हम तुम्हारे मंदिर में भोग चढ़ाएंगे, पूरे गांव का खाना करेंगे। अरे बाबू आज वही भगवान दिन है, आज देवी ने एक माँ की फरियाद और बहन की पुकार सुन ली, मेरे भैया ने 25 की उम्र पार कर ली। बाबू मेरे भैया को मेरी उम्र लग जाए, अरे बाबू तुम्हें पता नहीं आज मैं कितनी खुश हूँ, आज मैं शाम को नाचूंगी गाऊंगी, तुम भी आओगे ना बाबू? अरे तुम क्यों उदास हो गए बाबू? अरे सुनो तो बाबू, माँ वो चला गया, मुझे तो ऐसा लगा जैसे उससे हमारी खुशी देखी नहीं गई। छी, वो और हमारी खुशी ना देख सके, दोस्त है मेरे मोहन का, तुम्हें ना कुछ कहा होगा। मैंने सुबह सुबह देखिए, जब मैं कुड़की का वारंट ले घर पे पहुंचूंगा सारे गांव की आगे फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ आज तो मोहन की माँ इतर से मान के सारे गाँव का खाना कर रही है, कल को तू देखिए टुकड़े टुकड़े गुजर देगी। मेरा काटा पानी नहीं मांगता है, बिज बोलू मैं अंदर अंदर साफ की तरह, क्या कहिए? आपके पिताजी से तो जी गलती होगी गलती, उन्हें आपका नाम नागराज रखना चाहिए। आज तू शर्मिंदा कर रही हो बर्फी की माँ, नाम वो जो मीठा हो, ए लड्डू सा, ए जो अंदर के जहर को छुपा के रख। अच्छा देख तू बैठा कर ठंडा पानी पी के सो जा, ए मैं शहर जा रहा हूँ, ये मैं तारे कागज वकील साहब के हवाले कर आऊंगा और उनसे कह के आऊंगा साहब सुबह सुबह कागज चिपकना चाहिए। लड्डू शाह गुरके की नौबत नहीं आएगी, ये रहे तुम्हारे 3,000 रुपए और वो कागज मुझे दे दो। 8,000 लो लो। हजार हजार के 3 लोट, आज मैंने जरूर किसी भगवान का मुंह देखा है, कहीं अपने तो नहीं देखा है। अजी साहब लेकिन आप हैं कौन, से लोट मुझे चूते रहे हैं आप सुबह सुबह? मैं मोहन का दोस्त हूँ। बड़ी खुशी की बात है, अजी साहब चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, हमें तो पैसों से मतलब ही नहीं, क्या कुछ ठंडा गर्म होगा आपके लिए? जयलक्ष्मी भैया। वो हमारा घर था, तुम्हारी बंबई का होटल नहीं था कि बड़ी शान से आए, पंखे के नीचे बैठे, अखबार की तरफ देखा और नाक आसमान की तरफ उठाकर चल दिए। किसी ने पूछा भी नहीं कि साहब की जतीन खाने से आए हैं। जानते हो माँ मुझे कोसने लगी कि मैंने ही कुछ कह दिया होगा। बताओ तो क्या कहा था मैंने? गाली दी थी, थप्पड़ लगाया था, कुछ तो कहा होगा, वरना यूं सर झाड़ मुंह फाड़ गुस्सा बनकर नहीं चले आते। बोलो। मेरी तरफ से मां जी से माफी मांग लेना। मैं माफी मांग, मैं तुम्हारी वकील हूँ ना। देखो जब तक तुम अपने हिस्से की मिठाई नहीं खाओगे ना तुम्हें माँ जी माफ करेंगी और ना मैं। अरे भो 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 भो, इतनी मिठाई मत खाना, पेट फट जाएगा। इधर हाथ करो, इसे पकड़ो और खोलो मुँह। इसमें और मंगलू मामा के गधे में कोई फर्क नहीं, बड़ा सा है, दोनों अड़ियल है। Thank you.
जी, जयलक्ष्मी भैया की बधाई हो अम्मा डंडोर। अम्मा आज तो लड्डू शाह को इतने लड्डू खिला दोगे हफ्ते भर की फुर्सत हो जाए। दीदी अम्मा खुशी के दिन अगर लड्डू नहीं खाए तो क्या है? क्यों बगलू? तुम तो कहते थे पुलिस लाऊंगा, मकान कुर्क कराऊंगा, अब अचानक बदल कैसे? अम्मा मैं भी अपनी मर्जी से थोड़ी बदला हूँ, मुझे 3000 रुपए ने बदल दिया, पूछो कैसे? कैसे? अरे वो जो शहर से मोहन का दोस्त आया था ना, वो तुम्हारा सारा कर्जा दे गया। झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे मैं भला कभी झूठ बोलूं? झूठ बोलने वाले को राम करे गिल्टी निकली आंख लेके। ये लो अपने कागज और अपना गाना लड्डू भैया। क्यों जी, कोई बहरूपिया हो? स्टेशन से लेके यहाँ तक 10 रूप बदले हैं तुमने, तुम बताते क्यों नहीं तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है? कह चुका हूँ तुम्हारे भैया का दोस्त। वो तो मैं भी जानती हूँ, मगर ये 3000 रुपए? कोई बड़ी बात नहीं, लोग तो दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान भी दे देते। देखो जी, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। देखो मेरी तरफ देखो, देखो जब किसी की बात मेरे मगज में ना आए तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। एक तरफ तो कहते हो कि तुम मेरे भैया के लिए जान भी दे सकते हो, मानती हूँ क्योंकि तुमने हमारा कर्जा चुका दिया है, और दूसरी तरफ जब हम अपने भैया के नाम से खुशियाँ मनाते हैं तो तुम हमें रोक देते हो और चिल्ला के कहते हो कि बंद करो, ये सब झूठ है। शुक्रिया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे माफी गई चूल्हे में, पहले ये बताओ कि बात क्या है, तुमने क्यों कहा कि हमारी खुशी झूठ है? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम्हें मालूम है और हमें बताना नहीं चाहते? ऐसी ही बात है। राम, तो जल्दी से कह भी चुको। तुम सुन नहीं सकोगी, और अभी जो चिल्ला के आए हो वो भी तो सुन लिया है। तो सुनो, मैं तुम्हारे भैया का दोस्त नहीं हूँ। अरे भैया, तो फिर क्या हो तुम? जो भी हूँ दोस्त नहीं हूँ तुम्हारे भैया का। ये हाथ देखती हो? ऐसे हाथ वाला आदमी किसी का दोस्त नहीं होता। ये हाथ गंदा है। गंदा? नहीं तो। यही तो रोना है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। अगर इस हाथ पर लगा हुआ खून देख लो तो भी चीख चीख कर रोना शुरू कर दो। यह हाथ खून में डूबा है शुक्र, सोने और चांदी की तरफ बढ़ा था लेकिन खून में डूब गया। मेरा काम करोगी? मुझे अपना हाथ बना दो, मेरा हाथ काट दो, मेरा हाथ काट दो, मुझे अपना हाथ बना दो। बाबू एक बात पूछूं, कहीं तुम पागल तो नहीं? हाँ मैं पागल ही हूँ, इस एक हाथ ने मुझे पागल बना दिया है, कहीं का नहीं रखा मुझे, मुझे मौत के घाट उतार दिया है, ये मेरा दुश्मन है। ये तुमने क्या किया? चलो हमारे घर चलो, तुम हमें अपने दुख सुनाना, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। अब ये दिल कभी हल्का नहीं होगा, इस पर एक लाश का बोझ पड़ चुका है। कहाँ जा रहे हो उस्ताद? एक आदमी की दोनों जेबें नोटों से भरी हैं। चलो मेरे साथ। मुझे रुपाई नहीं चाहिए। रोशन बढ़ रहा है तो खरीदो, इसमें पूछने का फायदा होना चाहिए। अब देखो रोशन, अच्छा फिर बात करेंगे, आओ। अरे भाई कहाँ थे इतने दिनों तक, कब आए? याद है एक रोज आपने मुझे नौकरी के लिए कहा था, हाँ, और मैंने इनकार कर दिया था। आज मुझे उसी नौकरी की जरूरत। नौकरी? अरे मेरी जान तुम तो यहाँ के मालिक हो, मालिक। फिर कल सुबह आ जाऊँ काम? कल सुबह नहीं, शाम को 7 बजे। ओके। आजा मार, हो से आजा। बिना खबर दिए
मत जाया कर, मारे फिक्र के रो रो के मेरी जान निकल गई। भला हो डब्बू का, इसने आकर बताया कि तुझे कहीं एक जरूरी काम से अचानक बाहर जाना पड़ गया। हाँ हाँ माँ, वो काम बहुत जरूरी था। अगर रोशन अचानक जाने से इनकार कर देता तो उसे नौकरी से जवाब मिल जाता। रोशन? हाँ माँ, कुछ ऐसी ही बात। बेटा, अब अकेला घर मुझे काटने को दौड़ता है, तो जल्दी से शादी कर ले, लड़की मुझे बहुत पसंद है। लड़की? कौन सी लड़की? अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, मुझे सब पता चल गया है। किस बात का माँ? तुम्हारे और कमला के प्यार का। कमला? ये कमला कौन है? जिससे तो शादी करना चाहता है। मैं? हाँ, कमला। ओ बेटी कमला, देख तो कौन आया है। आई माँ जी। क्यों कमला बेटी, यही है ना वो लड़का जिससे तुम शादी करना चाहती हो? चलिए माँ जी, खाना तैयार हो गया है। देखा बेटा, मेरे तो भाग जाग गए। ऐसी बहू तो किस्मत से ही मिलती है। मेरी इतनी सेवा करती है कि अपनी लड़कियां भी नहीं करती। बिल्कुल देवी का रूप है, देवी का। आओ बेटी। डब्बू, ये सब क्या? तुम ये जानना चाहते हो कि रीता कमला कैसे बन गई? तो सुनो प्यारे, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी खूबसूरती ने उसे मजबूर कर दिया और वो रीता से कमला बन गई और दो दिन से यहाँ बर्तन मांज रही है। खुश नसीब हो प्यारे, हम पे कोई नहीं मरती। अच्छी जी की मिठाई है बहन। क्यों बहन, क्या ख्याल है? बहन, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद आई। संजोग की बात है बहन जी, मुझे भी आपका लड़का बहुत पसंद है। ईश्वर इस जोड़ी को भगवान करे। तो बेटी, सास के पांव छुओ, सास भी माँ के बराबर होती है। लेकिन पति भी तो भगवान के बराबर है। पहले मेरे पांव छुओ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि शादी होने के बाद ये मेरे पाँव धो धो कर पिया करेगी या नहीं। ये सब क्या है? हाँ हाँ बहन, डॉक्टर सच कहते हैं। लेकिन बहन, शादी करूँगा। शादी? अरे मेरे बहन सुनो तो सही। नसीबो जली, अगर तेरा ऐसे ही लक्षण रहे तो तुझसे कौन शादी करेगा? कौन शादी करेगा? माँ, दुनिया बहुत बड़ा है घेरा, कहीं ना कहीं तो होगा मेरा। अरे मामा तो अंधा कब से हो गया? अरे ये तो बापू कोट है, तूने कहाँ से लिया? ये बापू जाते वक्त मेरे घर पर भूल गई है। मैं कैसी लगती हूँ? मामी कब से बन गया? जब से औरतों का कंठा मेरे गले में आई है। ये तो सोने का है, सोने का से लिया? ये भी उसी बाबू की है, इस कोट की जेब में से निकली है। अच्छा हाँ, देखूं तो अच्छी लगती हूँ ना? बहुत अच्छी लगता है। चल दूर हट, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती। सूरत देखने को कौन कहता है माँ? ये देखो हार, हार, हार रंग, ये तो सोने का है। तू कहाँ से लाई? मैं कैसे नहीं लाई माँ, वो भैया का दोस्त आया था ना अगला, वो अपना कोट मंगलू मामा के यहाँ भूल गया था और यहाँ उसी कोट के जेब से निकला है। क्यों मामा? हाँ, और ये तस्वीर भी निकली है माँ जी, देखो तो। हाय रे मैया, इतनी बेशरम, ना शलवार ना घाघरा
और ऊपर से इतनी ऊंची कमीज। अरे ये तो आजकल का रिवाज है शुक्ल, जितने ऊंचे लोग उतने ऊंचे कपड़े। क्या कहती है, इसे तो मैं अपने पास रखूंगा। अचार डालोगे? अरे नहीं, भगवान ने चाहा तो इस जैसी तेरे लिए मामी लेकर आऊंगा। अरे मैं तो हंस रहा था, ये रोने कैसे लग गया? मर गया सतकड़ी। मैं तो कुत्ते की मात मर गया। अम्मा ये सब क्या है लड्डू सा, कुछ बताओ भी। अम्मा होना क्या था, मैं ठहरा छोटे से गांव का छोटा सा परिया और मेरी दुश्मनी हो गई गवर्नमेंट से। चुप रहो, हटो पीछे। माता जी क्या ये बात सच है कि आपका ये मकान इस बनी के पास 3,000 रुपए के लिए रहन था? हाँ बेटा। और वो रुपया आपने चुका दिया? हाँ हाँ जरूर। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो 3,000 रुपया आपके पास कहाँ से आया? हमारे पास कहाँ से आना था बेटा, मेरे लड़के का एक दोस्त बम्बई से आया था, उसे हमारी मुसीबत देखी नहीं गई तो उसने चुका दिया, वापस जाने से पहले मिला तक नहीं। मेहरबानी करके आप उसका और अपने बेटे का पता बता दीजिए। पता तो हमें दोनों का मालूम नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आपको अपने बेटे का भी पता मालूम नहीं? उसे एक ही महीना तो हुआ है बम्बई गए हुए, अभी तक उसका कोई खत नहीं आया। लेकिन बेटा ये सब क्या गड़बड़ है? नोट चोरी के थे? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसे वैसे काम नहीं कर सकता। राजन, तुमने बड़ी बड़ी मार्केटों के नाम तो सुने होंगे, कैपिटल मार्केट, न्यू मार्केट, शेयर मार्केट, मंगलदास मार्केट और इन सबसे एक बड़ी मार्केट और वो है ये मार्केट। इस बाजार में लाखों का जुआ होता है अंधेरे में। देखते जाओ प्यारे इस बाजार की शान, और इस बाजार में लाखों का माल इधर से उधर हो जाता है अंधेरे में। यहाँ का हर सौदा रात के अंधेरे में होता है, समझे? और आपकी और मेरी दोस्ती भी रात के अंधेरे में हुई, और उसी अंधेरे में मैंने तुम्हारा हार इधर से उधर कर दिया। रोशन, मैं अंधेरे का बादशाह। और आपकी बादशाहत में मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा अभी बताता हूँ, मेरे साथ 2, 3 और 4। तब तो माल अपना 3-1 के। ठहरो, ये रहे इसके असली कार्ड। कभी नहीं करूंगा। दाव तुम्हारा। कभी नहीं करूंगा। खामोश, इसे उठाकर बात फेंक दो। मैंने जो कुछ किया तुमने गौर से देखा? आओ। आज से ये सब काम तुम करोगे, लेकिन एक बात का ख्याल रहे रोशन, कि शंकर सेठ के तहखाने में जुआ हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन बेईमानी नहीं हो सकती। सेठ, मैं तुम्हारे पास काम नहीं करूंगा। क्या कहा? काम ही करोगे? मैं काम नहीं करूंगा। मैं तो इस हाथ से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पास आया था, ये सोचकर आया था कि तुम एक इज्जतदार आदमी हो, चाय की प्यालियां बेच कर रोटी खाते हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुमने उन प्यालियों के तह में दुनिया भर के गुनाहों का जहर छुपा रखा है। तुम्हारी तरह मेरा कारोबार भी रात के अंधेरे में हुआ करता था, लेकिन अब मुझे इस अंधेरे से नफरत है, मुझे उस उजाले की तलाश है जो मेरी जिंदगी में रोशनी पैदा कर सके। मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए। मार्केट मार, उम्र भर जेबें काटता रहा और अब चला है उजाले की तलाश में। पुलिस चौकी की लालटेन का उजाला मिलेगा तुम्हें। फांसी का रस्ता तुम्हारी जिंदगी रोशन करेगा। एक पेशावर मुजरिम जब ये कहता है कि उसे शराफत की तलाश है तो उससे बढ़कर कोई दलील नहीं होता है। तुम दलील हो, तुम दलील हो।
जलील, मेरी तरह तुम सब लोग भी जलील हो। जुर्म और गुनाह के गंदे तालाब में हम सब नंगे हैं और अपने आप को इस नंगेपन से छुपाने के लिए ढीठों की तरह हंसते हैं। लेकिन याद रखो, एक दिन यही हंसी तुम्हारे होठों तक आकर जहरीली हो जाएगी और फिर तुम भी मेरी तरह इस जहर से अपने आप को बचाना चाहोगे। गुनाहों की जंजीरों से आजाद होने के लिए तड़पोगे, रोओगे, मिन्नतें करोगे कि हमारे हाथ पांव काट के हमें अपाहिज बना दो, हमें जल्दी याद में फेंक दो, जो जीत चाहे कर दो, लेकिन इज्जत और ईमानदारी का एक पल हमें बख्श दो, चाहे वो पल फांसी के तख्ते पर क्यों ना हो। रोशन, ठहरो। तुम्हारे लेक्चर का हम पर क्या असर हुआ ये तो देखते जाओ। अच्छा, तो तुम वाकई शरीफ बन गए। पाकिस्त मारो शराफत। अरे भाई, हम गुंडों के पास क्या रखा है। चल प्यारे, ऐसे न हाथ मल प्यारे, दो दिन बहार हंस कर गुजार है ये रीत आज कल प्यारे, दुनिया के साथ चल प्यारे, ऐसे न हाथ मल प्यारे। जब तक जवान ये दिल है, दुनिया हसीन महफिल है, मस्ती में डूब कर जी ले, हर सांस तेरी मंजिल है। जब तक जीले, हर सांस तेरे मंजिल है, क्या एक बार फिर ये बहार आई आए कल प्यारे, दुनिया के साथ चल प्यारे, ऐसे न हाथ मल प्यारे। कम करंबा कम 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 करंबा कम 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 जिक्र तक न करना, शंकर बहुत बुरा आदमी है,
उसकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी। क्यों, क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहा हूं? जी चाहता तुम्हारा गला दबा दूं। दिन में तुम कितनी भोली भाली बनी मेरे घर बैठी थी। तुमने मेरी माँ को यकीन दिला दिया था कि बस तुम ही उसकी बहू बनने के काबिल हो, और अभी अभी तुम बदमाशों के बीच नाच रही थी। ये सब क्या ढोंग है? कितने होशियार, खुद सवाल किया खुद ही जवाब दे दिया। वो वाकई एक ढोंग था। जब मैं तुम्हारे घर गई थी मेरे दिल में चोट था। शादी तुम्हें से एक बहाना था। मैं उस 3,000 रुपए के लिए गई थी जो तुमने मोहन की जेब से निकाले थे। मुझे शंकर ने भेजा था। शंकर ने भेजा था? क्यों, 3,000 रुपए से शंकर का वास्ता? वो रुपया शंकर ही का था, मोहन ने चुराया था। मैंने भी कहा कि बस दो ही मुलाकातों में आप कैसे इतनी मेहरबान हो गई कि मेरी दुल्हन बनने के लिए खुद मेरे घर चली आई। आज मालूम हुआ कि आपको शौहर नहीं रुपया चाहिए था। मेरी ईमानदारी का नाजायज फायदा न उठा। ये मैं कह चुकी हूँ कि मेरे दिल में चोर था। ये तो तुम्हारी माँ की मेहरबानी थी कि मेरी दुनिया बदल गई। जब वो आरती गाती है दुनिया भर की नेकी उनके चेहरे पर सिमट आती है, और फिर उनके दिल में कितनी ममता है। उन्होंने मुझे अपना जानकर अपने हाथों से खाना खिलाया, जैसे मैं पराई नहीं उनकी अपनी बेटी हूँ। उनका प्यार देखकर मेरी आंखों के सामने एक नई जिंदगी का सपना आ गया। कोई मेरे दिल की गहराइयों से पुकार उठा, आंखें खुलो बेटा, यही तेरा घर है, यही तेरी माँ है। बोलो रोशन, तुम मुझे अपना बनाओगे, मुझे निकालोगे इस जहन्नम से? अभी इसी वक्त चलते हो मेरे साथ? तुम नहीं समझते रोशन, मुझे ये काम शंकर ने सौंपा है। जब तक उसे ये रुपए नहीं मिलेंगे मैं उसके पंजे से कभी नहीं निकल सकती। तुम ये रुपए ला दो, मैं तुम्हारे साथ अभी चलने के लिए तैयार हूँ। वो रुपया तो मैं किसी को दे चुका हूँ। अब मैं उसे वापस नहीं ला सकता। मैं खुद लाने की क्या जरूरत है? तुम जिन्हें तैयार हो उनका पता बता दो, शंकर तैयार। नहीं, मैं उनके पता नहीं बता सकता। उन्हें उस रुपए की शंकर से ज्यादा जरूरत है। तो इसका मतलब यह है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत करता हूँ या नहीं ये तुम सोच लो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो औरत मेरे जीने मरने के साथी बनेगी उसे मैं खरीद के नहीं लाऊंगा। अगर तुम्हें इस औरत से शादी करनी है तो तुम्हें उसे खरीद नहीं होगा, कीमत देनी ही पड़ेगी। चले जाओ यहां से, चले जाओ। ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं। अच्छा क्यों नहीं किया जी? मैं अपने भैया से मिलने आई, मुझे मेरे भैया के पास ले चलो। तुम्हारे भैया के पास? तो तुम्हारा भैया, बात यह है कि वो चलो शुक्र, तो मैं तुम्हारे भैया के पास ले चलो। शंकर, तुमने कुछ नोट किया? क्या? लड़की के गले में वही हार था जो तुमने रोशन से उड़ाकर मुझे दिया। अच्छा? हाँ। मामा, दिखाई तो नहीं देता पर शायद हो। दिखाई तो मुझे भी नहीं देता
शायद वो क्या शायद शायद लगा रखी है, क्या दिखाई नहीं देता? चोर, तुम शक्ल से तो चोर नहीं मालूम होते बाबू। क्या चुराया मैंने तुम्हारा? अभी तक तो मेरा कुछ नहीं चुराया, मगर चोरी का माल लड्डू शाह को जरूर दिया है। चोरी का माल कौन कहता है? हम नहीं कहते बाबू, पुलिस वाले कहते हैं। तुम जो हजार हजार के तीन नोट लड्डू शाह को दिए थे वो नोट चोरी के हैं। हाँ, और लड्डू शाह को पुलिस पकड़ कर ले गई है। नोट चोरी के हैं? पुलिस को जरूर धोखा हुआ शुकल। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारे भैया के पास पहुंचाकर मैं सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जाऊंगा और सब मामला ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारी जान पहचान पुलिस कमिश्नर से भी है? अरे मामा, जान पहचान ही नहीं, आए दिन उनका मेहमान रहता हूँ, काफी खातिर करते है मेरी। तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, एक दिन हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मामा तुम घबरा जाओगे। तुम यहीं ठहरो, मैं बुलाता हूं। भैया। अरे चुप, अभी आता है। आनंद रोशन। मोहन को बुला। मोहन? हाँ हाँ, मोहन के गांव से उसकी बहन और मामा आए हैं। कहाँ है मोहन? अपना मोहन, उसकी बहन और मामा। आओ आओ बहन, चलो चलो अंदर चलो। आओ मामा, आओ आओ भैया। भैया हाँ भैया। और तुम बैठो बहन, बैठो बैठो। मोहन कल ही किसी जरूरी काम से कलकत्ते गया है। ये कलकत्ते गए? हाँ हाँ कलकत्ते। लेकिन बाबू तुमने तो गांव में कहा था कि पिछला सफर भैया का आखिरी सफर था। हाँ कहा तो था शुक्ल, लेकिन शुक्ल बात यह है कि नौकरी और जिंदगी में कोई भरोसा नहीं कब सफर पड़ जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे भैया को ताज देता हूँ कि फौरन चले आओ, तुम्हारी बहन आई है गाँव। हाँ और सुनो, बाद में ये भी लिख देना कि तुम्हारी बहन तुम्हारे जन्मदिन की मिठाई लाई है। जल्दी आ जाए। लिख दूंगा। रोशन, ये क्या कर रहे हो? मौत जैसी चीज को छुपा रहे हो? अपना गुनाह छुपा रहा हूँ डब्बू, जो मौत से ज्यादा भयानक है। वो वक्त भी कम भयानक न होगा जब तुम्हें सच कहना पड़ेगा। इससे पहले मुझे मौत आ जाए डब्बू। इंस्पेक्टर, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। तो तुम्हारे बयान से जाहिर होता है कि तुम्हें ये नोट उस लिफाफे में से मिले जो तुमने मोहन के हाथों से उड़ाया था, और मोहन ने ये नोट शंकर के हाथ से चुराए थे। तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि मार्च के महीने में यूनिवर्सल बैंक में डाका पड़ा था और डाकू 20 लाख के नोट उड़ाकर ले गए। तो सब नोट 1,000 रुपए के थे, ये तीनों नोट उन्हीं में से है। इसीलिए शंकर इन्हें वापस हासिल करने के लिए इतना परेशान है। उसको हर वक्त ये खटका लगा रहता होगा कि जो कोई भी इन नोटों को लेकर बाजार जाएगा फौरन पकड़ा जाएगा। इन नोटों के नंबर हर बड़ी दुकान और हर बैंक में मौजूद है। फिर आप फौरन शंकर को गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई खास सबूत चाहिए। तो शंकर को गिरफ्तार करने के लिए आपके पास कोई खास सबूत नहीं है? हमारा तो अभी तक यही ख्याल था कि तुम जिसे एक नजर उठाकर देख लो वो वही चित्त हो जाए, मगर बड़े अफसोस की बात है कि एक मामूली पाकिट मार तुम्हें ठुकरा कर चला गया। नहीं सेठ, ठुकरा के नहीं गया, इनकी कीमत का बंदोबस्त करने गया था। ये रहे वो नोट जिन पर तुम बिकने के लिए तैयार थे। मुझसे शादी करना हो तो मेरे घर चले आना। शादी करना हो तो मेरे घर चले आना। जरूर
थैंक यू रीटा, थैंक यू। तुम्हारा काटा हुआ मरता जरूर, लेकिन जरा देर हेलो फ्राइज, हम भी तो इसी जहर के मारे हुए हैं। इंस्पेक्टर एक सिगरेट से मिला। रोशन, ये चाल तुम चलकर आए हो, इसकी कामयाबी का तुम्हें पूरा यकीन है? मैं एक बात पूछता हूँ इंस्पेक्टर, जरा सोच के जवाब देना। पूछो। पहले जरा गौर से मेरी सूरत देख, क्या मैं खूबसूरत हूँ? क्यों, क्या ख्याल है? बहुत खूबसूरत हो क्या? अच्छा इंस्पेक्टर, अगर कहीं 10, 20, 50 लड़कियां खड़ी हो और मैं उनसे जाके कहूं कि मुझे किसी एक लड़की से शादी करना है, तो क्या उनमें से कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी? उन सब लड़कियों को तुम्हारे लिए लॉटरी डालना पड़ेगी रोशन। अगर ऐसी बात है इंस्पेक्टर, तो रीटा मेरे जाल में जरूर फंसेगी। जाओ आराम से सो जाओ। चलो, तुम्हें भी घर छोड़ दूंगा। मैं टहलता हुआ जाऊंगा, मुझे आज बहुत कुछ सोचना है। अरे सुबह सुबह तुमने कहा था ना मुझसे शादी करना हो तो मेरे घर चले आना। बोलो कब करते हो शादी? शादी अभी और इसी वक्त, आओ मेरे साथ। अरे अरे अरे, पहले माता जी से आशीर्वाद तो ले ले। डार्लिंग, अगर माता जी से आशीर्वाद लिया तो फिर शादी हो चुकी। क्यों, उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है क्या? यही तो मुसीबत है कि उन्हें ये रिश्ता बहुत पसंद है। वो मुहूर्त निकलवाएंगी, पंडित को बुलवाएंगी, कपड़े सिलवाएंगी, जेवरात बनवाएंगी और इन सब चीजों की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे और 6 महीने इंतजार करना खतरे से खाली नहीं। खतरे की क्या बात, अब तो मैं तुम्हारी हो गई। डार्लिंग, शादी से पहले खतरा ही खतरा है। मतलब क्यों? अगर तुम्हें फिर शंकर पर तरस आ गया तो अगर यही बात है तो चलो इसी बात करते हैं शादी। देखो डार्लिंग, छठ मंगनी और पाठ ब्याह की तैयारी में भी कुछ देर लगती है, लगती है ना? तुम घर चलो, मैं पंडित और मंदिर दोनों का इंतजाम करके आता हूँ। इंस्पेक्टर राजेंद्र कृष्ण स्पीकिंग। रोशन, कहो भाई क्या हाल है? इंस्पेक्टर, लॉटरी निकल गई रीटा के नाम, आज 5 बजे मैं उससे शादी कर रहा हूँ। हाँ, आप ठीक वक्त पर पहुंच जाइएगा। और हाँ, आपको अपना वादा याद है ना? तुम घबराओ नहीं रोशन, इस केस में मिस रीटा का नाम तक नहीं आएगा। मिस रीटा तो सिर्फ हमारा एक जरिया है असली मुलजिमों तक पहुंचने का। एक वादा और है आपका, वो ये कि अगर मैं मुलजिम गिरफ्तार कराने में कामयाब रहा तो मेरा नाम पॉकेट मारों की लिस्ट से काट दिया जाएगा। हाँ भाई हाँ, तुम्हारा नाम पॉकेट मारों की लिस्ट से काट कर मुंबई के शरीफ आदमियों की लिस्ट में लिख दिया जाएगा। रोशन, अगर हो सके तो तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ। नहीं इंस्पेक्टर, इस वक्त नहीं, मैं उसके पास जा रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही है। टाटा। इतना जोर से मत चलाया करो जी, हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे जी। इतनी गहरी नींद न सोया करो जी, हमें जगाने में तकलीफ होता जी। डब्बू और मामा कहाँ गए जी? डब्बू मामा को बम्बई सिखाने गया जी, और हम तुम्हारी रात तकते तकते सो गया जी। हम तुमसे एक बात पूछना मांगता जी, जरा सोच के जवाब देना मांगता जी। हम तुमसे शादी करना मांगते हैं। तो मेरा मीत है,
फिर हम आ गए तेरे दिल में तो फिर हम आ गए कसम तुम्हें प्यार की किसी फरार की न जाने कोई साजना ये तेरी मेरी दास्तां समा है ये प्यार का शादी होगी और इसी वक्त होगी हाँ। रोशन तुम शादी की तैयारी करो माँ और भाई को मैं समझा लूंगा कोई भी बुजुर्ग ऐसे होनहार लड़के को हाथ से नहीं जाने देगा मामा ओ तू तो सारे शहर का मामा हो जाएगा तू तो मेरा भी मामा ृहस्पतिर्दधातुमूर्तम शुभ लग्नम सेवन कल्याणम खोलो गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब क्या हो गया है रीटा डार्लिंग मिस्टर रोशन हम आपको यूनिवर्सल बैंक पर डाका डालने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं रोशन नहीं नहीं वो डाका रोशन ने नहीं डाला था इंस्पेक्टर साहब आपको धोखा हुआ है हमारे पास इसका सबूत है मोहन के घर हजार हजार के तीन नोट जो रोशन देकर आया था वो नोट उसी 20 लाख रुपए में से थे लेकिन इंस्पेक्टर मैंने वो नोट चुराए नहीं थे इसका फैसला कोर्ट करेगी चलिए रीटा डार्लिंग हमारी शादी अधूरी रह जाने का मुझे बड़ा अफसोस है ये देखो हवाई जहाज की दो टिकट मैं हनीमून के लिए तुम्हें कश्मीर ले जाने वाला था लेकिन मेरे दिल की उमंगें दिल ही में रह गईं इंस्पेक्टर
डॉक्टर साहब, अगर आपको मालूम हो जाए वो 20 लाख रुपए कहाँ और उसे चुराने वाला कौन है तो क्या आप मेरे रोशन को छोड़ देंगे? फौरन उसी वक्त। उस्ताद लेकिन है बड़ा मुश्किल काम। हर मुश्किल को आसान करना मेरा काम। जिस काम को मैंने अपने हाथ में लिया उसे अधूरा कभी नहीं छोड़ा। तुम लोग खुश रहो, हंसो। रीटा। रीटा नहीं, मिसेस रोशन। मिसेस रोशन, ये सब क्या है? इसमें हैरान होने की क्या बात है? एक लड़की ने एक लड़के से शादी कर ली, हैरान होने के बजाय तुम हमें मुबारकबाद दो। और ऐसे नहीं, हमारी शादी की खुशी में सबको पार्टी दो। पार्टी होनी चाहिए। जरूर मिले। मुबारक। शाम के साथ। ओके। ये भी वक्त वक्त की बात है। आज हमारे महबूबा हमारे सामने ही किसी और के गले में पड़े डाले और हम खुशी से तालियां बजाएंगे और कहेंगे वंस मोर वंस मोर। लेकिन वक्त को बदला भी जा सकता है। मेरे साथियों, मेरा इशारा पाते ही तुम्हें रोशन को कत्ल कर देना होगा और फिर इसी जगह रोशन की बेवा रीटा से हम शादी करके उसे सुहागन बनाएंगे। आप शंकर के तहखाने तक पहुंचने का चोर रास्ता तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। जी हाँ। देखिए ठीक वक्त पर पहुंच जाइएगा। घबराइए नहीं, मैं वक्त मुकर्रा पर अपने सिपाहियों के साथ पहुंचकर शंकर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लूंगा। हमें इजाजत दीजिए। Let's see.
मेरे साथियों ने ये प्रेजेंट बड़े शौक से तैयार किया है। चलिए नो नो मिस्टर रोशन, रुमाल मिसेज उठाएंगे और आप देखते ही तड़प कर रह जाएंगे। क्यों देखते क्या हो गुस्सा सीने में अच्छा जान बचाना मुश्किल। अब इस रिवॉल्वर में एक गोली और बाकी, अगर इससे जान बचा ले तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। गेम चलाने और यूनिवर्सल बैंक पर डाका डालने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। गैम्बलिंग गेम चलाने का जुर्म तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन यूनिवर्सल बैंक का डाका अपनी समझ में कुछ नहीं आया। बैंक से जो 20 लाख रुपए के नोट आपने गायब किए हैं वो सीधी तरह से मेरे हवाले कर दीजिए। 20 लाख के नोट, अपनी समझ में फिर कुछ नहीं आया। शंकर, अगर अब भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। अब अनजान बनने से कोई फायदा नहीं, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अच्छा, ये सब आपने मुझ पर मेहरबानी की? जी, वैसे ही जैसे आप मेरे रोशन को कत्ल करके मुझ पर मेहरबानी फरमाने वाले थे। ओह, ऐसा समझ गया इंस्पेक्टर साहब, जब घर का भेदी लंका डाहे फिर छुपाने से फायदा क्या। चलिए नोट भी आपके हवाले कर दूं। थैंक यू रीता।
इंस्पेक्टर साहब, उन मार किए हुए बक्सों में से एक में नोट है, निकाल लीजिए। राय ये निशान लगे हुए बक्से बाहर निकालो। और मेरी शादी तो अधूरी रह गई थी। अधूरी रह गई थी तो पूरी भी हो जाएगी। मैं तो अपने स्वामी के चरण धो धो कर मैं इन चरणों की दासी। इंस्पेक्टर साहब, यस, क्या बात है? मुंबई में एक आदमी दो शादियां कर सकता है? दो शादी ना आदमी कर सकता है और ना औरत। तुम्हारा इरादा दो शादियों का है क्या? ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप मुझे दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रही हैं। दूसरी शादी? यस, मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारी शादी हो चुकी है? किससे? मोहन की बहन से। क्या कहा? मोहन की बहन से? और वो जो मुझसे शादी कर रहे थे वो सब क्या था? वो सब खेल था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने 3000 रुपए का पता लगाने के लिए मुझसे खेल खेला। कमला देवी, हर खेल में एक की जीत और दूसरे की हार होती है, लेकिन मुझे आपकी हार पर अफसोस है। मैंने अपने वादे के मुताबिक सबको पकड़वा दिया है। मिस्टर रोशन, हम तुमसे बहुत खुश हैं और अपने वादे के मुताबिक हम सरकार से पूरी सिफारिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि तुम्हारे सारे कसूर माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर आज के बाद तुमने किसी की जेब काटी तो फिर हमारे लिए तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने पॉकेट मार के धंधा बिल्कुल छोड़ दिया। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे इजाजत दीजिए। राइट इंस्पेक्टर, अब काम हो गया डब्बू। मैं शुक्ल को आज ही और इसी वक्त अपने घर ले जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, बहू और सास की पहली मुलाकात देखने के काबिल होगी। शुक्ल, शुक्ल, तुम यहाँ क्या करने आई हो? वही जो मुझे करना चाहिए। जब वो शुक्ल कहाँ है? उससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो। रोशन साहब, आपकी बीवी आपको छोड़कर अपने गांव चली गई। तो तुमने शुक्ल को सब कुछ बता दिया है? हाँ, मैंने उसको सब कुछ बता दिया है। रोशन वो नजारा देखने के काबिल था जब मैंने शुक्ल से कहा कि रोशन ने तुमसे शादी प्यार के लिए नहीं, तुम पर तरस खाकर लेके उसके हाथ तुम्हारे भाई के खून से रंगे। तुम्हारा पति तुम्हारे भाई का कातिल। बिगड़ते क्यों करो? हर खेल में एक की जीत और दूसरे की हार होती है, लेकिन मुझे तुम्हारे हार पर अफसोस नहीं, खुशी। बाबू, माधोपुर गाड़ी कब जाएगी? माधोपुर जाने वाली गाड़ी आधा घंटा हुआ चली गई है। आधा घंटा हुआ चली गई? अच्छा बाबू, दूसरी गाड़ी कब जाएगी? कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे? क्या 10 बजे से पहले कोई गाड़ी माधोपुर नहीं जाएगी? नहीं। रोशन ने तुमसे शादी प्यार के लिए नहीं की, तुम पर तरस खाकर की, क्योंकि उसके हाथ तुम्हारे भाई के खून से रंगे हुए हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे भाई का कातिल है। शुक्ल, क्योंकि मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। शुक्र, तुम्हारे भैया की मौत मेरी वजह से जरूर हुई, लेकिन यकीन मानो मुझसे जो कुछ भी हुआ अनजान पर न हुआ। शुक्र, मैं एक पॉकेट मार था, लोगों की जेबें काटना मेरा पेशा हो गया था,
लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका नतीजा इतना भयानक भी हो सकता है। मैं तुम्हें जिंदा जरूर दिखाई देता हूँ, लेकिन बुरों से भी बदतर हूँ शुक्ल। तुम्हारे भैया की मौत ने मुझे जीते जी मार डाला है। मुझे क्यों शरीफ औरत को तंग करता है? मेरी बीवी है भैया। ये झूठ बोलता है, मैं इसकी बीवी नहीं। ना जाने मुझे क्यों परेशान कर रहा है। जा रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना थाने ले जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, शायद मैं इसी काबिल था। कौन है? आई बेटे आई। न जाने ये देर से आने की आदत तो कब छोड़ेगा। अच्छा जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ। नहीं माँ, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाएगा? कहीं से खाकर आया है क्या? कहीं से खाकर नहीं आया माँ, खाने को जी नहीं चाहता। क्या हुआ है तेरे जी? तेरा मुंह इतना उतरावट क्यों है? इतना परेशान क्यों दिखाई देता है बेटे? माँ जी, आपके बेटे की परेशानी का कारण मैं आपको बताती हूँ। चुप रहो रीटा, अगर एक लफ्ज भी कहा तो मार डालू। क्यों, तुमने कोई कसर बाकी छोड़ी है जो मैं मौत ले डालू? आज मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी कि तुम क्या हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ के सपने बर्बाद न करो रीटा। जब मेरे सपने टूट चुके हैं तो मुझे किसी के बर्बाद होने की कोई परवाह नहीं। माँ, ये तुम्हारा बेटा जिसे तुम एक देवता समझती हो वो एक मामूली। रोशन, रोशन, ये सब क्या है? तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो बहू? मैं तुम्हारी बहू नहीं, मैं ऐसे आदमी की बीवी बनना नहीं चाहती हूँ जिसके हाथ खून से रंगे। ये तुम क्या कह रही? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हमारे इस बेटे के कारण न जाने कितने लोगों को खाना नहीं मिला होगा, कितने बच्चे दूध के लिए ताप ताप के रह गए। हमारे इसी शरीफ बेटे के कारण न जाने कितने लोगों को खुदकुशी करनी पड़ी होगी। चुप रहो, मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम पागल हो गई हो? हाँ हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा पाकिस्तान, दूसरों की जेबें काट काट के माँ का पेट पालने वाला पाकिस्तान। माँ वो गुस्से से पागल हो रही। तो क्या तूने उससे शादी से इनकार कर दिया? अच्छा, तुम्हारे झगड़े का असली कारण ये था बेटा। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी छपरा, मेरा बेटा और पाकिस्तान कैसे हो सकता? इसे पालते पोसते हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना किया करती थी, भगवान बेवा का यही एक सहारा इसमें दुनिया भर की अच्छाइयां ढाल दे। जीते रहो, जीते रहो मेरे लाल। पागल लड़की की बातों ने तो मुझे परेशान कर दिया था और मैं सोच में पड़ गई थी बेटा कि माँ का दूध जहर कैसे बन सकता है। माँ, ने जो कुछ कहा सब सच है। क्या कहा? मैं पॉकेट मार। पॉकेट मार? तू पॉकेट मार? मैंने हमेशा तुमसे झूठ कहा।
हमेशा तुम्हें धोखे में रखा माँ। तो जिससे मैं मेरी कमाई समझकर भगवान का शुक्र किया करती थी, वो रुपया तो लोगों के जेबे काट के लाया करता था। लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है माँ, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करना भगवान, मुझे माफ कर दो जो मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। छोड़ दे मुझे, मैं अभी दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहती। कैसे बन सकता है तू जिसे मैं तेरी कमाई समझकर भगवान का शुक्र किया करती थी, वो सब रुपया तो लोगों के जेबे काट काट के लाया करता था। मुझे माफ करना भगवान जो मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, मैं अभी दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी चिता की कसम खा के कहता हूँ माँ कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें हमेशा धोखे में रखा माँ, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूँ ये धोखा नहीं है माँ। जिस आग में तू जल रही है उस आग में मैं अपना हाथ जला दूंगा, मैं अपना हाथ जला दूंगा मैं। बाबू, बाबू, thank you.